तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम कस्टम फॉर्मेटिंग के पार्ट टू को कर रहे हैं, राइट। तो राकेश जी एंड गुरदीप जी हमारे साथ हैं, सुबह की क्लास है। और गुरदीप जी, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके साथ कस्टम फॉर्मेटिंग का जो आर्टिकल दिया था उस आर्टिकल के बारे में, जो आर्टिकल आपने दिया था उस आर्टिकल के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या है आर्टिकल और इसमें क्या था और क्यों समझ में नहीं आया, क्या क्या प्रॉब्लम थी, वो सब चीज़ों पर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। क्लास शुरू करते हैं बस कुछ सेकेंड्स में। यूट्यूब पे जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पूरी सिक्वेंसली वीडियो चाहिए तो मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे दिया हुआ है। साथ में आप चाहते हैं कि लाइव वन टू वन क्लास मेरे साथ लेना, जैसे राकेश गुरदीप ले रहा है, सुबह की क्लास है, आप लेना चाहते हैं तो आप भी मेरे साथ इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाना होगा और वहाँ पे आप डेमो क्लास का फॉर्म भर देना होगा। वेबसाइट का लिंक भी मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फटाफट लॉगिन कीजिए, डेमो क्लास का फॉर्म भरिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले चीज़ को जानिए राकेश जी, गुरदीप जी, कि हमने बताया था कि कस्टम फॉर्मेटिंग का जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है। कस्टम फॉर्मेटिंग का जो इस्तेमाल होता है वो जो नंबर हम टाइप करते हैं उस नंबर को कुछ और शो करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 500 डाला तो मुझे यहाँ MRP 500 चाहिए। क्या चाहिए? MRP 500। तो अगर मैनुअली लिख देंगे तो नहीं ना होगा। तो यहाँ हम कस्टम पे आते हैं और यहां इन्वर्टेड कॉमा में MRP लिख देंगे। अब MRP लिखने के बाद कुछ भी नहीं लिखते हैं तो आपका सिर्फ MRP दिखेगा, कुछ और नहीं दिखेगा, सिर्फ क्या दिखेगा? MRP। तो मुझे MRP के साथ साथ अपनी वैल्यू को शो करना है तो यहां जीरो या हैश देना, राइट। ये हमने लास्ट क्लास में समझाया था। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि आपका ये बोलता है कि जो हम डालते हैं ना उस चार पोजीशन में होता है। पहला जो होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है जीरो एंड चौथा होता है टेक्स्ट। तो अगर मान लीजिए कि कस्टम फॉर्मेटिंग में हमने MRP दिया और फिर मैंने सेमी कॉलन लगाया, क्योंकि सेपरेटर क्या होता है? सेमी कॉलन होता है। तो सेमी कॉलन मैंने यहाँ पर लगाया और फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दे देता हूँ डिस्काउंट, यस, राइट। तो ये क्या होगा कि अभी डिस्काउंट नहीं शो कर रहा है, लेकिन जैसे हम नेगेटिव में वैल्यू डालेंगे वो डिस्काउंट शो करेगा। बट अमाउंट शो नहीं किया क्योंकि डिस्काउंट के बाद हमने जीरो या हैश नहीं लगाया। माइनस चाहिए तो माइनस जीरो हमने किया तो यहाँ पे माइनस जीरो डिस्काउंट दिख गया। क्यों? क्योंकि दूसरे पोजिशन में क्या है? निगेटिव है। तो हमने अपने कस्टम फॉर्मेटिंग में पहला क्या किया? पहला MRP दिया और सेमी कॉलन से हमने दूसरा डिस्काउंट दिया। अब तीसरे के लिए हम यहाँ पे कर देता हूँ कि वो फ्री है, राइट। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर मैं जीरो डालूंगा तो फ्री शो करेगा। और चौथा पोजीशन जो होता है टेक्स्ट के लिए होता है, राइट। तो टेक्स्ट के लिए होता है चौथा पोजीशन। तो चौथे पोजीशन में मुझे यहां पे देना होगा डेटा नॉट फॉर्म, ओके। तो अगर कोई टेक्स्ट टाइप करेगा तो डेटा नॉट फॉर्म शो करेगा, और टेक्स्ट जो लिखा हुआ वो शो करवाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो उसके सामने हम @ दे देंगे। ध्यान रखिएगा जीरो हैश नंबर्स के लिए होता है और @ टेक्स्ट के लिए होता है, ओके। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका यूज हम लोग अपने ऑफिस में करते थे। इसके लिए मुझे एक छोटा सा डेटा बनाना पड़ेगा।
तो मैंने यहाँ पे एक अटेंडेंस बना दिया। तो अटेंडेंस भी क्या है कि मेरे पास जो आए हैं ना, ये है बायोमेट्रिक डेटा है। अब ऑफिस में जाते हैं, अपना एक्सेस कार्ड पंच करते हैं, तो आपका डोर ओपन होता है या अटेंडेंस लगता है, तो मान लीजिए उसी का है। तो क्या है कि आप डोर ओपन करने के लिए एक्सेस कार्ड यूज करते हो, तो कई बार यूज करते हो, तो ये दिखाया गया है, एडमिन ने मुझे भेजा है कि किस दिन किस पर्सन ने कितना बार एक्सेस कार्ड को पंच किया था। एक्सेस कार्ड को पंच किया, अब यहां पे मुझे प्रेजेंट और अब्सेंट दिखाना है। तो जहां पे नंबर्स है, इसका मतलब है कि अगर किसी ने पंच किया, इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट है। अगर जिसका रिजल्ट जीरो है, इसका मतलब है कि उस दिन वो अब्सेंट है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसी पे राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल और कस्टम में आएंगे, यहां इन्वर्टेड कॉमा में पी देंगे, क्योंकि एज पर माई आर्टिकल पहला पोजीशन होता है पॉजिटिव का, दूसरा नेगेटिव का और तीसरा होता है जीरो जीरो का। तो नेगेटिव तो हमारे वैल्यू में नहीं है, तो नेगेटिव को हम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, जीरो के लिए अब्सेंट डाल देते हैं। तो जो नंबर है वो पी हो जाएंगे और जो जीरो है वो ओ शो होगा, ठीक है। देखिए, जैसे बताया था आपको कि जस्ट विजुअल है और ओरिजिनल में आपके नंबर ही है, बस विजुअल में यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे अब्सेंट को कलर रेड करना है, तो जैसे कि आप आर्टिकल में देख रहे हैं नीचे कि यहाँ कलर भी दिया गया है ना सर, तो आप कलर भी दे सकते हैं। तो कैसे, फॉर्मेट सेल में मैंने इसके आगे रेड लगा, रेड किस में लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में, हो गया सर, हो गया। तो इसका यूज हम लोग करते हैं अपने ऑफिस के अंदर में। तो आर्टिकल समझ में आ गया आपको क्या है ये चीजें, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसने बताया है कि जितने भी आपको मैंने बोला कि कोई भी टेक्स्ट डालने के लिए हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालना होता, आपका आर्टिकल कह रहा है कि जो स्पेशल कैरेक्टर्स है इसको विदाउट कोटेशन मार्क में लिख सकते हैं, ठीक है। जितने साइंस है, जितने कैरेक्टर्स है, इसको अगर प्रेजेंट करवाना है आपको तो इसमें कोटेशन मार्क डालने की जरूरत नहीं। और यहाँ एट द रेट जो है आपका टेक्स्ट के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताते हैं आगे, जैसे यहाँ पे हमने नेम है, कंपनी नेम है, तो मुझे M/S और फिर IPT और जो कंपनी नेम वो डालना होता है, तो मैं चाहता हूँ M/S जो है अपने आप आ जाए, ठीक है। तो कस्टम में जाते हैं और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में M/S लिखते हैं और उसके बाद @ देते हैं, क्योंकि @ जो होता है, @ नहीं देंगे तो फिर M/S ही दिखेगा, आपका टेक्स्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। अब मैं इसमें डालता हूं IPT, आ गया इसमें IPT। ऐसे मान लीजिए कि एड्रेस आपका है और आपका एड्रेस जो है जिसमें सिटी या पिन कोड नंबर सेम है, तो बार बार सिटी पिन कोड नंबर डालना पड़ता है, तो आप यहाँ पे @ और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में दे दीजिए New Delhi 11062, यहाँ पे डालिए F202, ओके। एक काम और हमने किया था, जैसे कि हम लोग क्या, हमने चेक प्रिंटिंग का एक फॉर्मेट बनाया था, तो उसमें क्या था कि जब अमाउंट डालते थे तो जगह बच जाता था, यहाँ इस तरह से अमाउंट डलता था तो जगह बच जाता था, हम जाते जगह के लास्ट में स्टार या एक्स या स्लैश कुछ भी इस तरह से लग जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, हमने यहाँ पे दे दिया स्टार, यहाँ पे @ स्टार। अब @ स्टार डालना जरूरी है,
इसके बाद जो करेक्टर प्रिंट करना चाहते हैं वो डाल देंगे। जैसे कि मैं स्टार ही प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं एक बार स्टार को डाल दिया। अब जितना बड़ा करोगे उतना स्टार बढ़ जाएगा, जितना छोटा करोगे उतना स्टार घट जाएगा। समझे? हाँ, इसका यूज़ करते हैं क्या इस तो ऐसे वाला नंबर का? मैं तो चेक प्रिंटिंग में किया था, जो चेक प्रिंट का एक फॉर्मेट बनाया था सर। एक्सेल से क्या हुआ कि एक सैलरी डेटाबेस एक बनाना था मुझे, जहाँ पे सैलरी पूरा कैलकुलेट हो, आप अटेंडेंस डाले और अपना सैलरी डिटेल डाले, ऑटोमेटिक सैलरी कैलकुलेट हो जाती थी, सैलरी स्लिप प्रिंट हो जाती थी और चेक भी प्रिंटिंग आ जाता था। क्योंकि सर जिस तरह हम लोग काम करते थे उसमें बैंक ट्रांसफर सिस्टम बहुत कम था। मैं बात कर रहा हूँ 2004-5-6 की बात कर रहा हूँ, उसमें सैलरी ट्रांसफर बहुत कम होती थी, बड़े बड़े कंपनीज ही करती थी। जो छोटे छोटे कंसल्टेंट होते थे जिसके पास 100-200-500 एम्प्लॉई है वो नहीं करते। धीरे धीरे चलन बढ़ा, ऐसा फिगर बैंक में चेक और सैलरी वाले में ही दिखता था ऐसा स्टार स्टार। हाँ, तो उस समय हमें बनाने पड़ते थे। ठीक है, चल आगे बढ़े। बिल्कुल, देखिए पॉसिबिलिटीज इसमें ही नहीं है, पॉसिबिलिटीज इसमें और भी चीज़ है। मैंने आपको इसका कंसेप्ट समझाया, अब यूटिलाइज जो है हम आप अपने आपके काम में कर सकते हैं। आप सोच रहे हो कि ये अनलेस है, ये अनलेस नहीं है। अब चलिए एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे कुछ भी नाम लिखूं, ठीक है ना, कुछ भी। मान लीजिए मुझे यहाँ पे पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड में कुछ भी डालो वो स्टार बन जाए, बट एक्चुअली रहे पासवर्ड, बट पासवर्ड शो ना हो। जैसे कि होता है ना, हम लोग जब यूजर आईडी डालते हैं तो पासवर्ड नहीं दिखता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो सकता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल स्टार। सर डबल स्टार के जगह पे मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ, डबल स्टार और हैश कर देता हूँ। तो अब मैं कितना ये बड़ा कर लूँ उतना बड़ा दिखेगा, मेरा पासवर्ड टाइट तो होगा बट दिखेगा। आप लोगों के पास नोट पैड है तो होमवर्क नोट कर लीजिए, ये सिर्फ नंबर पे हो रहा है, टेक्स्ट पे नहीं हो रहा है। टेक्स्ट नंबर पे नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन ढूंढना है कि ये फीचर्स जो है हर तरह के पासवर्ड पे अप्लीकेबल हो। अभी सिर्फ जो अप्लीकेबल हो रहा है ओनली फॉर नंबर्स वाले पासवर्ड पे। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब इस आर्टिकल पे के थ्रू नीचे बढ़ते हैं, तो हैश तो पता ही आपको, जीरो हैश में समझाया था। एक आता है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क में है जैसा टाइप करोगे ऐसा शो करेगा, कोई किसी तरह ना जीरो ऐड करेगा ना कुछ करेगा, जैसा टाइप करोगे वैसा। तो आप जीरो हैश की जगह पे क्वेश्चन मार्क भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, तो ये जो कुछ एग्जांपल दिए हैं आई थिंक इसको तो आप फिगर कर ही सकते हो ना सर। ये यहाँ पे कोड दिया गया है, इस कोड को यूज करेंगे तो ए जो है इस तरह से डिस्प्ले होगा। उसके बाद थाउजेंड सेपरेटर मैंने लास्ट क्लास में बताया ही था आपको। क्या जीरो और हैशटैग का तो बताया कि सेम ही यूज होता है, अब क्वेश्चन मार्क का? क्वेश्चन मार्क मतलब जैसा टाइप करोगे वैसा दिखेगा। अच्छा ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ना, इन्होंने ये देखिए हैश क्वेश्चन मार्क बाई डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क, तो 5.25 आपने किया इसलिए 1.4 कर दिया। okay. अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रिपल वाई कॉमा ट्रिपल क्वेश्चन मार्क डॉट ट्रिपल क्वेश्चन मार्क डॉट लगा दिए, तो जो आप टाइप कर रहे हैं वही दिख रहा है ना सर, कुछ अपने तरह से एडिशन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कलर्स। देखिए आप जो है कलर से कलर को भी हाईलाइट कर सकते हैं, माने कि आप इस पे कंडीशन कलर भी लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने इसको सिलेक्ट करके कस्टम फॉर्मेटिंग में गया और यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा कलर, हमने कलर दिया रेड। देखिए किस में देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, हम लोग उसको बड़ी ब्रैकेट कहते थे,
आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट कहें या कुछ और करें, क्योंकि हम लोग तो राजकीय उच्चकित विद्यालय में पढ़े थे ना, पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़े थे। तो स्क्वायर ब्रैकेट जो आपका है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में कलर देना है एंड अगेन स्क्वायर ब्रैकेट में कंडीशन देना है, एक कलर एक कंडीशन, फिर आपको सेमी कोलन देना है, दूसरा कलर दूसरा कंडीशन, तीसरा भी इसके आगे डाल सकते हैं आप। अब यहाँ पे ओके करता हूँ, राइट। ओके अब यहाँ पे जैसे कि हमने नंबर दिया तो ब्लू हो गया, रेड हो गया, लेकिन इसने यहाँ पे साफ मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको और भी ज्यादा कंडीशंस फॉर्मेटिंग करनी है, कंडीशंस देने हैं, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारा आगे का टॉपिक है। अब यहाँ पे जो अगला ऑप्शन आता है, अब ये देख लीजिए क्या है। अब ये जो है कि आपको अगर इस तरह का सिंबल टाइप करना है तो इस तरह के शॉर्टकट यूज करना है। जैसे आपको मान लीजिए ये चाहिए, इसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है, मैथमेटिक्स में काफी जमाना हो गया, आई थिंक थीटा बोलते हैं ना। अगर इसको अगर आपको टाइप करना है तो कीबोर्ड में तो है नहीं, तो आपको यहाँ पे अल्ट के साथ 0162 अल्ट छोड़ेंगे टाइप हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे 63 ये आ जाएगा, ये आपका गामा का आ जाएगा, अल्ट वन देते हैं तो आ जाएगा। अपने अल्ट के साथ कुछ भी नंबर की यूज करते हैं ना, तो आपको कुछ ना कुछ करेक्टर आ जाएगा। आ गया, मैं यहाँ पे मान ली अल्ट 258 करता हूँ तो आ गया, अल्ट 0169 करता हूँ, ये चीज यही समझा है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है नंबर फॉर्मेट, नमलॉक यूज नमलॉक न्यूमेरिकल कीबोर्ड, तो आपको इसके लिए ये जो आपके लैपटॉप के जो होता है ना 1 2 जो एट द रेट और हैश के 3 होता है, $4 होता है, उससे नहीं होगा। वो साइड में जो होता है नम लॉक ऑन करके फिर करते हैं, जो नंबर की पैड होते हैं उससे होगा सर। ओके और परसेंटेज के लिए तो परसेंटेज का सिंबल डालिए, परसेंटेज आपको दिखाएगा, इसमें कोई खास नहीं है, और ये साइंटिफिक फॉर्मेट है, इसमें कोई खास यूज होता नहीं है। अब बात करते हैं डेट, डेट को भी मैंने समझाया था कि एम जो होता है आपका नंबर डिक्लेयर करता है विदाउट लीडिंग जीरो, अगर डबल एम करते हैं तो लीडिंग जीरो होता है, ट्रिपल एम करते हैं तो जैन टू स्कैब होता है। जैसे कि कल आपने मुझे पूछा था ना सर सवाल, तो हमने बताया था कि जो कस्टम फॉर्मेटिंग की जो चीज़ें हैं वो आपको एज ए मतलब बगल में किसी अलग सेल में लेके आना है एज ए वैल्यू, तो हम टेक्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ना। तो आपको मैंने दिया था सोल्यूशन कि टेक्स्ट के अंदर में ट्रिपल एम लगा लीजिए, करेक्ट। तो ये चीज़ यहाँ पर है। अब यहाँ पे आपका ये आपका इसके लिए है मंथ में है, मंथ में एक चीज और भी है, 5 times M अगर डालते हो तो हर इसका मंथ का फर्स्ट लेटर शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिस्प्ले दिए गए हैं तो सेम यहाँ पे आवर, आवर में एक देख रहे हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लिया हुआ है, इसके पीछे रीजन है सर, क्या रीजन है समझाते हैं आपको। चलिए जैसे अगर मैंने 10:20 डाला, मुझे इसका आवर अलग करना है, तो आप आवर का फॉर्मूला लगा के अलग कर सकते हैं। आ गया, जैसे कुछ लोगों को इसको मिनट में कन्वर्ट करना होता है तो लोग क्या करते हैं आवर का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं किससे 60 से, और फिर इसमें वापस हम मिनट का फॉर्मूला लगाते हैं, और मिनट का फॉर्मूला लगाने के बाद जो मिनट अलग होता है उसमें से प्लस करें। ये तो समझ में आ गया, समझ में आ गया सर आपको। अब यहां पे छोटा सा प्रॉब्लम होता, छोटा सा प्रॉब्लम क्या है कि अगर टाइम मेरा 45 आवर, बुक से देखे बाद 30 मिनट, अब ये तो आपने किसी का डिफरेंस डाला ना सर कि हाँ किसी का ओवर टाइम मतलब 45 घंटे की ओवर टाइम है। अब यहां पे अगर मैं आवर का फॉर्मूला लगाता हूं और स्टैक करता हूं तो ये 21 दिख रहा है,
क्योंकि आवर का फॉर्मूला कभी भी 24 आवर से ऊपर की टाइम को नहीं लगा, क्योंकि सिस्टम में यहाँ देखिए 24 घंटे के बाद एक दिन हो जाता है। अगर इसको आप जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे तो कैसे हो, तो यहां पे आवर अगर अलग करना है सिर्फ आपको, तो यहां लिखे आवर, ये टेक्स्ट फॉर्मूला, और इसको सेलेक्ट करके इन्वर्टेड कॉमा में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एम दे दीजिए। आ गया, मिनट हो गया। हाँ हाँ सॉरी मिनट आ गया, माफ कीजिएगा, हालांकि मिनट में कन्वर्ट करना था ना हमें। अगर आवर कर दिए तो आवर दिखेगा, अगर आपने इन्वर्टर कॉमा में एन कर दिया तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने जो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया था ना, वो करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट मिनट में कन्वर्ट करके दे देगा आपको। और आपको 45 घंटे 30 मिनट का वो आंसर हो गया ना। जी, 45 मिनट को मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, प्लस 30 मिनट कर दिया, सेकेंड ठीक। सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा इसलिए यूज किया जाता है, राइट right? और सेकेंड में होता है। तो ये हमारी थी कस्टम फॉर्मेटिंग की टॉपिक्स। अब आप लोग अपने क्वेश्चन रेज कर लीजिए। अभी ये दोबारा रिव्यू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसका वो क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक चीज और भी होती है, और इंडियन कॉमा, मैं भूल गया हूँ, तो गूगल की मदद ले रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, आपने देखा होगा जो हमने कॉमा का सेपरेशन लगाते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि हमने 10,000 दिया, तो कॉमा का सेपरेशन हमने लगाया तो ये तो ठीक दिख रहा है कि हाँ भाई चलो 10,000 कॉमा का सेपरेशन लगा दिया। वही मैं अगर मैं यहाँ पे 1,10,000 करूँ, तब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ना। गड़बड़ यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख है, ऐसे 1,01,000 10,000 नहीं मान लीजिएगा, 10,000 ठीक कुछ है। इस तरह से होगा। तो कहने का मतलब है कि इंडियन जो फॉर्मेट होते हैं वो फॉर्मेट नहीं होता है। आप यहाँ पे इसमें अगर कॉमा सेपरेटर लगाता हूँ तो क्या होगा, 57,40 दिख रहा है? 57,40,000। नहीं, ये तो इनिट फॉर्मेट में दिख रहा है सर, ओके। हाँ दिख रहा है ना सर? हाँ दिख आप रहा है अपने अभी। सिस्टम में कीजिए, मैं बताता हूँ फिर मेरे सिस्टम में ऐसा क्यों हो रहा है। एक मिनट रुक जाइए फिर। आपके सिस्टम में मुझे लगता है कि 57 आएगा, 57 में कॉमा लगेगा। हाँ मेरे सिस्टम में डिफरेंट आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेरा रीजनल सेटिंग है ना सर, वो इंडिया है, मतलब कि मैंने जो इंस्टॉल करते समय जो रीजन सेलेक्ट किए थे वो इंडिया सेलेक्ट किया। आप लोगों का जो ऑफिशियल लैपटॉप जो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो आपने यूएस सेलेक्ट कर लिया। तो यूएस जो है मिलियंस के अकॉर्डिंग चलता है, मिलियन मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन ऐसे चलता है, 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन।
तो आपको आपको जो है अगर लेटेस्ट वर्जन है आपका जो 10 विंडो 10 वगैरह 11 वगैरह है तो आप तो चलो कर सकते हैं। पुराने वर्जन में चीज फैसिलिटी नहीं है कि आप रीजन सेटिंग कर लेंगे तो उसी तरह से कॉमा सेपरेट काम करेगा, नहीं। तो उसी के लिए चंदू डॉट ओ आर जी एक साइट है, बहुत पुराने हैं, जहाँ पे एक्सेल के बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स है। उन्होंने एक कोड दिया हुआ है, देखिए दिख रहा है, अगर ये कोड डालते हैं तो आपको इंडियन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग दिखेगा। अब कोड को समझिए क्या है, इसने बस वही कलर वाली जो हमने फॉर्मेटिंग दी थी ना सर, याद है ना, वो कलर वाली फॉर्मेटिंग यहाँ डाला, कंडीशन दिए हुएंगे। इसने बोल दिया कंडीशन कि अगर इसे छोटा है मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ए फॉर्मेट दिखे, फिर अगर एक जीरो कम कर दिया ए फॉर्मेट दिखे, फिर जीरो दिया फिर जीरो दिया, समझे? क्योंकि सर लाख से नीचे पर तो ठीक ही चलता है ना, जैसे यहाँ पे 10 लाख 1 लाख और फिर उसके बाद तो जो नॉर्मल जो चलता है वही चलेगा, ठीक है डालते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं तो आपको उसी हिसाब से आएगी, लेकिन मेरे सिस्टम में इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने जो इंस्टॉल किया हुआ है वो इंस्टॉल किया हुआ है रीजनल सेटिंग जो हमारा इंडिया है, इसलिए मेरा डेट का फॉर्मेट आप देख रहे होंगे, पहले मंथ है फिर पहले ईयर है, सॉरी डे है मंथ है फिर ईयर है, आपके सिस्टम में शो करेगा मंथ डे देन ईयर, क्योंकि आपका यूएस फॉर्मेट है। ओके ओके, अब आप लोगों को जो मैंने दो होम एक होमवर्क तो दिया कि आपको यहाँ पे इसका अल्टरनेटिव ढूंढना है पासपोर्ट भी करेक्टर का, दूसरा आपको क्या करना है कि जैसे कि आप लोग जब किसी वेबसाइट को देखते हैं ना, उस पर वेबसाइट के अंदर फॉर्म होते हैं ना सर, जैसे इस पर देख लीजिए यहाँ पे सर्च दिख रहा है, जब इस पर क्लिक करते हैं तो हट जाता है, फिर डिलीट किया वापस आ गया, टाइप किया हट गया, डिलीट किया वापस आ गया, दिख रहा है ना सर। मैं इसकी नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर लिखा है सर्च ऑल करके लिखा हुआ है ना यहाँ पे, सर्च ऑल कन्वर्सेशन लिखा हुआ है ना, हाँ। हम इसकी बात कर रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है कि एक छोटा सा फॉर्म बनाना है, राइट, जिसमें यहाँ पे नेम लिखा होना चाहिए या यूजर, और नीचे आना चाहिए पासवर्ड, राइट, लेकिन ये हल्का कलर में होना चाहिए, हल्का कलर इस तरह से, इस तरह से हल्का कलर। जब मैं इस पे क्लिक करूं और यहाँ पे पास लिखूं, यहाँ पे यूजर लिखूं तो बोल्ड हो जाना चाहिए, और फिर जैसे डिलीट करूं वापस यूजर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखा, तो यहाँ पे लिखता हूँ पूजा, तो पूजा शो हो, और जैसे मैंने पूजा को डिलीट कर स्केप मारा फिर वापस यूजर आ गया। ये फीचर्स आपको बना के देने हैं, ओके। तो अगली क्लास हमारी होगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, तो कस्टम फॉर्मेटिंग पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देन अगली क्लासेस में हम आगे की चीजों पे बात